तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस बार हम लोग आपको लेके आ गए हैं रामपथ पे। और ये जो नई लाइटें और रोड जो हैं, ये बहुत ही खास दिखाई दे रही हैं। इसी के लिए खासकर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। कल जो है कि हम लोगों ने थोड़ा ही वीडियो कवर किया था, इस वजह से आज जो है कि इस नए रोड का जो है कि पूरा कंस्ट्रक्शन वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं और आपको खासकर दिखाने वाले हैं कि कैसे नई रोड बन रही है और नए तरीके से यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये रोड आप देख सकते हैं कि ये लाइट जो है कि काफ़ी सुंदर और सुनहरा लग रहा है। और ये रोड जो है कि आप देख सकते हैं काफ़ी कंप्लीटेड अब लग रहा है। जैसे इन रोड में काफ़ी गड्ढे वगैरह थे, इन गड्ढे वगैरह को जो है कि इसमें क्लियर कर दिया जा रहा है और इसमें एक पतली सी लेयर चढ़ाई जा रही है। तो आपको आगे दिखाते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लोग कुछ दीप उत्सव के बारे में भी बताएंगे कि आप कैसे दीप उत्सव में एंट्री पा सकते हैं। अयोध्या का सबसे फेमस जो अगर कोई फेस्टिवल और कोई चीज़ मनाया जाता है तो वो है अयोध्या का दीप उत्सव। तो आपको इस दीप उत्सव के बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में भी देंगे। और हम लोग आप दीप उत्सव का ही सीरीज चालू करने वाले हैं क्योंकि दीप उत्सव नज़दीक आ चुका है, इस वजह से दीप उत्सव की सीरीज अब चालू होंगी। और आप देख सकते हैं व्यू यहाँ का, यहाँ कल बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। और ये देख सकते हैं उधर का रोड भी जो है कि काफ़ी चालू हो चुका है। और ये देख सकते हैं कल काफ़ी कम ही दूरी पर तुलसी उद्यान से पीछे ही जो है कि रोड कंप्लीट हुआ था और इस बार जो है कि काफ़ी दूर तक जो है कि रोड कंप्लीट हो गया है। आपको हम लोग राम जन्मभूमि वाले जो गेट हैं वहाँ से भी आगे लेके चलेंगे, राम जन्मभूमि के आगे पंचकोशी परिक्रमा मार्ग तक लेके चलेंगे और बताएंगे कि कैसे क्या मस्त चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, क्या क्या रोड में डेवलपमेंट और क्या क्या यहाँ पे नई नई अपडेट और डेवलपमेंट है। और आप देख सकते हैं ये कलर, अब ये जो है कि काफ़ी अयोध्या निखरती हुई और बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम लोग छोटी देवकाली के पास में हैं और छोटी देवकाली का व्यू देख सकते हैं आप जो है कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और साथ में ये जो सनलाइट है ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये जितनी भी पुरानी मंदिर और मकानें थी ये भी बन के जो है कि तैयार हो रही हैं। ये देख सकते हैं जो पुरानी मंदिरें हैं ये, और इनका मरम्मत हो रहा है क्योंकि दीप उत्सव से पहले जो है कि सारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ तक जो है कि फाइनल रोड का टचअप कंप्लीट हो चुका है और अब रात में इससे आगे कंप्लीट होगा। आप देख सकते हैं ये हम लोग सब्जी मंडी के पास में हैं, यह सरफी भवन की तरफ रोड जाता है, यहाँ पे सारी मशीनरी वगैरह रखी गई है और ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है आज। और अब धीरे धीरे आने वाले समय में जो है कि ट्रैफिक ज़्यादा ही रहने वाला है क्योंकि दीप उत्सव आ रही है, इस वजह से अब ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो रहने ही वाला है। और अभी हम लोग हनुमानगढ़ी जो चौराहा है उसके पास में ही पहुंचने वाले हैं। और आपको बताएं कि अयोध्या में आने के बाद से अगर पेट्रोल पंप आप ढूंढ रहे हो तो अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ यही एक पेट्रोल पंप है जो कि अयोध्या के मेन मार्केट के पास में पड़ता है, बाकी सारे पेट्रोल पंप जो है कि अयोध्या से बाहर एरिया में पड़ते हैं। ए भाभी, अयोध्या से बाहर एरिया में पड़ते हैं, सॉरी, ये थोड़ा जो है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम की वजह से मैंने अब क्या किया जाए, थोड़ा दिक्कत होती है पर आप लोगों के लिए इतनी दिक्कत कोई बात नहीं है। बस आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग वीडियो में कैसा फील करते हैं, आप अयोध्या घूमते हैं, आप अयोध्या में कैसा फील करते हैं इन वीडियोस को देख के। आप देख सकते हैं व्यू, देख सकते हैं काफ़ी सुनहरा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जो है कि काफ़ी आनंद आता है। और इस तरफ का रोड अभी नहीं बना है, लाइटिंग का काम भी नहीं हुआ है। ये आप कलर देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त लग रही है। और हम लोग हनुमानगढ़ी चौराहा पार करके अभी हम लोग हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं। ये रही हनुमानगढ़ी की एक दूसरी प्रवेश द्वार और पहली भक्ति पथ वो थी और ये दूसरी प्रवेश द्वार है, ये तीसरी प्रवेश द्वार है हनुमानगढ़ी की। और उसके बाद से अब हम लोग हनुमानगढ़ी पार कर गए। ये रही हनुमानगढ़ी जो कि काफ़ी सुंदर और ज़बरदस्त दिखाई देती है इस रोड से। और अब हम लोग आ चुके हैं राम जन्मभूमि पथ के पास में, जन्मभूमि पथ जिसे बोला जाता है,
यहाँ पे भी काफी भीड़ भाड़ जगह है, भीड़ भाड़ लग रहा है। और इसका वजह जो है कि दिवाली है, दीप उत्सव है। यहाँ पे दीप उत्सव बहुत ही तगड़े तरीके से मनाया जाता है, बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही अच्छे लेवल पे मनाया जाता है। तो ये कुछ खासियत हैं जो कि दिवाली के टाइम पे अयोध्या में दिखती हैं। और ये आप देख सकते हैं जन्मभूमि का गेट जो है आपको सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पे अयोध्या में इस बार जो है कि विश्व का लगभग बताया जाए कि किसी मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उससे सबसे बड़ा ये प्रवेश द्वार बन रहा है जन्मभूमि पथ पे। ये बिरला धर्मशाला है, आप यहाँ पे इजीली स्टे कर सकते हैं। जो लोग वीडियो में बता रहे थे, कमेंट में कई लोगों का आया था कि आप रूम्स के बारे में और राम मंदिर से नज़दीक जो है कि स्टे करने के बारे में बताइए, तो आपको बताएं कि बिरला धर्मशाला काफ़ी जो है कि क्लोज्ड है इसमें, तो आप इजीली यहाँ पे जा सकते हैं। और अभी हम लोग, ये रेलवे स्टेशन रास्ता जाता है और ये श्रीराम हॉस्पिटल है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये देख सकते हैं आप अयोध्या फैजाबाद, पहले ज़िला फैजाबाद लगता था, इस वजह से जो है कि यहाँ पे अयोध्या फैजाबाद लिखा हुआ है। और अब प्रेजेंट टाइम में तो जो है कि अब अयोध्या ही ज़िला हो गया है। ये काफ़ी बड़ी मंदिर हुआ करती थी, ये मंदिर हमारे आँखों के सामने टूटी है। मतलब ये 6 महीने के अंदर अंदर काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी चीज़ें बदली। ये जन्मभूमि का दूसरा गेट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जो गाड़ियाँ होती हैं वहीं अंदर जाती हैं। इधर पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, VIP गेट इस द्वार को बनाने वाले हैं बड़े काफिलाओं के लिए। वैसे राम जन्मभूमि के 5-6 गेट हैं मेन, उनमें से ये दूसरी गेट है। और यहाँ पे आपको सामने तीसरी गेट दिखाई दे रही होगी। प्रेजेंट में जो है कि गाड़ियाँ अभी राम जन्मभूमि के अंदर इसी रास्ते से जाती हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन की गाड़ियाँ होती हैं आप देख सकते हैं। ये जन्मभूमि का रास्ता है और जन्मभूमि की जो ज़मीनें हैं वो लगभग 75 एकड़ ज़मीन है टोटल, और उसके बाद से विवादित जो ज़मीन थे वो 75 एकड़ के बाद से काफ़ी बढ़े हैं, क्योंकि आसपास के कई मंदिर और आश्रमों ने अपने ज़मीनों को जो है कि अनुदान दिया है इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट में, तो इस वजह से ज़मीनें जो है कि काफ़ी बढ़ी हैं। और अभी हम लोग जो है कि आए हैं राम जन्मभूमि के ठीक सामने जो रोड है इसे रामपथ बोलते हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं जो मल्टीप्लेक्स पार्किंग बना है वहाँ पे, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स पार्किंग, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं जिसे रानोपाली बोला जाता है। अभी हम लोग आपको इसका व्यू दिखाते हैं, ये काफ़ी सुंदर लगता है। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अयोध्या से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अभी देख सकते हैं आप, हम लोग जो है कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, ट्रैफिक का वजह कि जो है कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से भीड़ है ज़्यादा। और अभी रॉन्ग साइड से भी कुछ लोग जा रहे हैं, तो हम लोग भी रॉन्ग साइड से निकल के आपको आगे दिखाते हैं। ये जन्मभूमि का जो ट्रक है इसके वजह से काफ़ी भीड़ है। ये कॉरिडोर आप देख सकते हैं, ये मल्टीप्लेक्स बना है जिसमें पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और ये जो है कि पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है और जन्मभूमि पथ का जो है कि जो रामपथ का वीडियो था बस इतना ही। अब हम लोग आपको मल्टीप्लेक्स दिखा रहे हैं, ये जो सामने आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही है। और आपको हम लोग दीप उत्सव के बारे में बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और भारत के राष्ट्रपति यानी जो द्वारिका मुर्मू जी हैं वो लोग आने वाले हैं इस दीप उत्सव में। तो आप लोग जो है कि अगर दीप उत्सव में आना चाहते हो तो आप लोग भी इजीली आ सकते हैं, पर इन लोगों के जाने के बाद ही आप लोगों का जो है कि एंट्री जो है कि चालू होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। उन लोगों के जाने के बाद ही जो है कि आपका एंट्री चालू होगा। और अभी ये आप देख सकते हैं रेलवे का गेट है, हम लोग रेलवे स्टेशन के रास्ते पे हैं। अभी हम लोग स्टेशन की तरफ आ चुके हैं और स्टेशन का भी थोड़ा व्यू दिखाते हैं आपको। इसका हम लोग अलग एक वीडियो बना के लेके आएंगे। हम लोगों ने पिछली बार जो वीडियो डाला था उसको आप लोगों ने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया था,
इस वजह से थोड़ा स्टेशन का वीडियो बनाने में, प्लेटफॉर्म का वीडियो बनाने में थोड़ा हम लोग ऑड फील कर रहे हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा आपको कॉरिडोर का बाहर बाहर से ही एक व्यू दिखा दूँ। ये जो आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये बिल्डिंग बनाए गए हैं, और ये सारी बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स जो है ये पूरे तरीके से जो है कि यहाँ के पुलिस और प्रशासन के लिए रिजर्व्ड हैं। ये उन लोग, ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये उन्हीं लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो लाइटें हैं ये भी काफ़ी ज़बरदस्त लगी हुई हैं। इसका हम लोग खासकर एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। और ये दोनों तरफ से एक एक ऐसा गुम्बद घर टाइप में बन रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग पता करके आपको पूरा फुल डिटेल एक वीडियो बनाएंगे, इस रेलवे स्टेशन का नया वीडियो। लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स करें प्लीज़, कमेंट करें और शेयर करें लोगों के पास, ताकि अयोध्या का जो इन्फॉर्मेशन है वो सब तक पहुंच सके सारे लोगों तक। तो इसी वजह से हम लोग शेयर करने के लिए बोल रहे हैं आपको, नहीं तो कोई ख़ास वजह नहीं है। और यहाँ पे जो है कि रोड वोड सब जगह ब्लॉक है, इस वजह से अंदर से ही गाड़ियाँ लेके जानी पड़ रही हैं आजकल कॉरिडोर से। ये देख सकते हैं ये सब स्टेशन में लगने वाला है। अभी हम लोग पूरा अंदर कॉरिडोर के अंदर हैं। यहाँ सब बंद है, आगे से लेके चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। ये जो थी वो नई रेलवे स्टेशन थी, और ये पुरानी वाली आपको व्यू कराते हैं। इसका व्यू देखिए, ये काफ़ी छोटा हुआ करता था, पहले यहाँ पे स्टेशन हुआ करता था और अब जंक्शन है, अब अयोध्या जंक्शन के नाम से जाना जाता है इस जगह को। और यहाँ पे जो है कि मल्टीप्लेक्स पार्किंग का व्यवस्था, यहाँ पे मल्टीप्लेक्स तो नहीं लेकिन बट पार्किंग का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है काफ़ी हद तक, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही खास व्यू आपको दिखाने के लिए हम लोग लेके आए थे। यहाँ पे फ्री में आप पार्किंग कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हैं, अभी तक तो फ्री है, लेकिन आगे आप बता नहीं सकते हैं क्योंकि प्रशासन समय समय पर परिवर्तन करते रहती है। और ये तीसरा एग्जिट गेट है, और एक बीच में था जो आपको हम लोगों ने नहीं दिखाया, जो हम लोगों ने रामपथ में दिखाया वो पहला था। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।